तो भाई देखो फाइनली जिस चीज का इंतजार था वो आ चुकी है, यानी कि WTC के फाइनल की टीम, यानी कि वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप के फाइनल की टीम। और देखो जब बात भैया इंडियन टीम की आती है, जब बात इंडियन टीम की आती है, घंटा फर्क नहीं पड़ता आईपीएल में क्या चल रहा है। और देखो जहां बात आती है WTC के फाइनल की, मैं देख रहा हूं कि बहुत लोग WTC के फाइनल के लिए उतना ज्यादा एक्साइटेड नहीं है। भाई देखो आसान भाषा में समझो, WTC का फाइनल कुछ ऐसा है कि जो इंडियन टीम है ना, ये मान लो कि वर्ल्ड कप के फाइनल में पहुंच चुकी है, और अगर WTC का फाइनल इंडिया जीतेगी तो एक तरीके से वर्ल्ड कप ही जीत रही। भैया ICC टूर्नामेंट है और टेस्ट की ICC टूर्नामेंट है, और भले ही लोग कहें कि मजा तो T20 में आता है, लेकिन भौकाल जो है ना वो टेस्ट का सबसे ज्यादा है। और आजकल तो भैया टेस्ट में मुझको ना ODI से ज्यादा मजा आता है, और मैं जानता हूं बहुत लोग को सबसे ज्यादा मजा T20 में आता होगा, मुझे भी आ जाता है, लेकिन ODI से पहले जो ज्यादा मजा मुझे आता है वो टेस्ट में आता है। लेकिन अब बात करें अगर टीम की, तो भैया देखो ये कहने में कोई शक नहीं होना चाहिए कि जो टीम चुनी गई है ना, एकदम बेस्ट टीम चुनी गई है। मैं बहुत टाइम बाद ऐसा कह रहा हूं, क्योंकि भैया बहुत ज्यादा पॉलिटिक्स होती थी, अब भी हुई होगी, लेकिन क्या ही फर्क पड़ता है, वो तो होती रहेगी। पर हर चीज को दरकिनार करते हुए ये कहने में मुझको कोई शक नहीं है कि WTC फाइनल के लिए जो टीम चुनी गई है एकदम बेस्ट टीम है। मैं इससे बेहतर टीम नहीं बना सकता था। सबसे पहले अगर बात करें स्क्वाड की, तो स्क्वाड में है रोहित शर्मा जो कि कैप्टन रहेंगे, शुभमन गिल है, चेतेश्वर पुजारा है, विराट कोहली है, अजिंक्य रहाणे हैं, KL राहुल हैं, KS भरत हैं, अश्विन हैं, जडेजा हैं, अक्षर पटेल हैं, शार्दुल ठाकुर हैं, मोहम्मद शामी हैं, सिराज हैं, उमेश यादव हैं और जयदेव उनादकट हैं। लेकिन सबसे ज्यादा खुशी जिस नाम को देख के हुई है वो है नन अदर देन अजिंक्य रहाणे। और यही रीजन है कि कल के दिन जो अजिंक्य रहाणे थे वो पूरे तरीके से हर जगह सोशल मीडिया पर ट्रेंड कर रहे थे, क्योंकि भैया क्या कमबैक हुआ है। अभी 1.5 महीने पहले अजिंक्य रहाणे को सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट से बाहर कर दिया गया था। जो बंदा 1.5 महीने पहले ए ग्रेड में चल रहा था, उसको ए से बी में नहीं डाला, उसको बी से सी में नहीं डाला, सीधे कॉन्ट्रैक्ट से बाहर ही कर दिया। यानी कि BCCI ने 1.5 महीने पहले ही रहाणे को ये क्लियर मैसेज दे दिया था कि अब हम तुम्हारे बारे में नहीं सोच रहे हैं, अब तुम्हें जो करना है करो, लेकिन तुम अब इंडियन टीम में नहीं आ सकते। लेकिन रहाणे भाई तभी CSK में जाते हैं, धोनी भाई के अंडर खेलते हैं, और 5 मैच वो धोनी के अंडर खेलते हैं। धोनी भाई अपना जादू चलाते हैं, जो कि उन्होंने आशीष नेहरा के साथ किया, राइडू के साथ किया, वॉटसन के साथ किया, बालाजी के साथ किया, ये सब भैया जैसे ही इनके अंडर आए सबकी भैया नैया एकदम सुधर गई। तो वही कुछ रहाणे के साथ हुआ, रहाणे के अंदर गेल भी आ गए, सूर्या भी आ गए, फिलहाल सूर्या थोड़े से डाउन चल रहे हैं, तो गेल भी आ गए, डिविलियर्स भी आ गए, विराट कोहली भी आ गए, सब कुछ का मिक्सचर भैया रहाणे बन गए। और यही नतीजा रहा कि 2 मैच खेले, तभी तो 5 मैच उन्होंने खेल लिए हैं, लेकिन जैसे ही उन्होंने पहले 2 मैच खेले थे BCCI ने कह दिया था रहाणे से, भैया लाल बॉल से प्रैक्टिस शुरू कर दो, क्योंकि तुम जो खेल रहे हो, वाह भाई क्या खेल रहे हो, और ये कंफर्म है कि तुम WTC का फाइनल खेलोगे। इसके पीछे रीजन ये भी था कि श्रेयस अय्यर इंजर्ड हैं और सूर्य कुमार यादव का हाल थोड़ा सा बेहाल है। अब बाकी तो देखो वक्त ही बताएगा कि रहाणे को टीम में लाना कितना सही है कितना गलत है, लेकिन भाई रहाणे का सच में जो कॉन्फिडेंस चल रहा है ना इस समय, एकदम 7वें आसमान पे चल रहा है। बाकी वीडियो पसंद आई तो वीडियो को एक लाइक दीजिए, और अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो प्लीज जो भी ये वीडियो देख रहा है थोड़ा सपोर्ट करने के लिए अभी के अभी चैनल को सब्सक्राइब करें। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, धन्यवाद।